प्यारे दोस्तों, देखो हमारी जो फैमिली है उसमें दिन प्रतिदिन खर्चे बढ़ रही हैं तथा यह इतने ज़्यादा हो गए हैं इस महंगाई के ज़माने में कि हम उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। जो इनकम के साधन थे वो दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। इस समय में मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ तथा कोई भी व्यक्ति मेरे साथ इस बिजनेस को कर सकता है। बिजनेस है हाउ टू अर्न विद डिस्काउंट प्लस नेटवर्किंग मार्केटिंग। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो जो भी मार्केट है ना वो एक तो सेलर की है, ठीक है जी, और एक है बायर। ये सेलर्स हैं, ये बायर्स हैं, ये है मार्केट। अब क्या है कि ये जो खरीदार है ना इसकी जेब में लिमिटेड पैसा है। हो सकता है 10,000 है, हो सकता है 5,000 है। मान लो इसकी जेब में 10,000 है तो इस 10,000 से वो सभी चीजें खरीदना चाहता है। दूध भी खरीदना चाहता है, अपना दंत मंजन भी खरीदना चाहता है। इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है, वो खरीदना चाहता है इस 10,000 से। इसलिए कभी भी कोई भी खरीदार उसको होलसेल पे नहीं खरीदता, ये आप भी जानते हो। तो ये है सेलर, ठीक है। मान लो वो सेलर हूं मैं, ठीक है, जो पैसा लगाना चाहता है। अगर मैं बैंक में पैसा लगाता हूं तो मुझे 9% मिलता है ब्याज, इंटरेस्ट। अगर वही पैसा मैं इस बिजनेस में लगा देता हूं, उसको कहते हैं रिटेल बिजनेस, रिटेल बिजनेस। तो मैं ये चाहता हूं कि ये 9% मुझे मिले या उससे ज्यादा मिले, सिंपल सी बात है। उसके लिए मैंने आज एक्सपेरिमेंट किया कि दो तरह की आइटम्स होती हैं, एक की एक्सपायरी डेट होती है, एक की एक्सपायरी डेट नहीं होती है। मैंने सर्फ लिया, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई थी। मैंने कुछ और चीजें ली, उसमें एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है। जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, जो खाने की चीजें हैं, आपने टमाटर खरीदा वो आज खराब हो जाएगा। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट जो जिनके एक्सपायरी डेट नहीं होती उसमें कर दूं और उसका 9% ब्याज मुझे मिले तो मैं लोगों को डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा दे सकता हूं। अब सिंपल सी है एग्जाम्पल है, मैं बाजार में गया और मेरे पास तकरीबन 6 ब्रांडेड का सर्फ है। इसको कहते हैं सर्फ। इसके मैं नाम बता देता हूं, व्हील, फेना, टाइड, ठीक, उजाला एंड सर्फ एक्सल। तो इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया 1308 रुपये, 1308 रुपीज इन्वेस्टमेंट, ये मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी। अगर इसी को मैंने बैंक में डालता तो 2 साल में मेरा बनता है 235 रुपए। इस अगर मैं 9% ब्याज देता हूं 2 ईयर्स का, इस अमाउंट पे इंटरेस्ट जो बनता है वो बनता है 235 रुपीज। तथा यह जो आइटम है सर्फ, एक ऐसी चीज है कि ये 1308 रुपए का सर्फ मैं 2 साल में कंज्यूम कर लेता हूं। और मैं पिछले कई सालों से एक एक थेला पैकेट लेके आता था तथा हर बार डिस्काउंट दे के जाता था, वो मुनाफा कमा रहे थे। तो अब मैंने क्या किया, 1308 रुपए का 2 साल में मैंने कंज्यूम करना है तो जो मुनाफा आता है 248 रुपये है। इट मींस जो भी इन्वेस्टमेंट है मैंने 2 साल के लिए करनी है, 248 रुपये तो मैं फिर भी कमा रहा हूँ। 1308 रुपये का 248 वो मेरी निजी आवश्यकता है। ऐसी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जिसमें से हम प्रॉफिट देते रहते हैं। अब मैंने क्या करना है कि ये है खरीदार, इसको एक ऑफर देता हूं, यदि वो मुझे प्रॉमिस दे कि वो मेरे साथ खरीदेगा, मेरे पास खरीदेगा, मेरे पास कोई भी शॉप नहीं है, ठीक है, तो यहां जो भी मेरा है सामान उसको एक वेयर हाउस है तो उसको मैं रखूंगा, मैं अपने लिए रख रहा हूं क्योंकि मुझे 9% मिल रहा है, इतना उतना ही स्टॉक रखूंगा जितना जो कि मुझे आवश्यक है। स्टार्टिंग में करूंगा जहां जो मुझे आवश्यक है। तो यहां प्रॉमिस मैंने इससे ले लिया। अब मैं क्या करूंगा कि अपने प्रॉफिट का, देखो प्रॉफिट मार्जिन इसमें बताया हुआ है, किसी में 11% है, किसी में 8 है, किसी में 36 है। जब भी कोई सामान खरीदते उसके प्रिंट डेट पे देता है वो, एक ही पैकेट लेना है आपने,
पर मैं आपको क्या कहता हूं, अपने प्रॉफिट्स का, माय प्रॉफिट्स जो कि कितना है, 6% 8% से लेकर 36% है, मान लो ये सर्फ है, अपने प्रॉफिट्स का आपको 50% गिव टू बायर, अपने प्रॉफिट का 50% आपको दूंगा। मींस आपने मेरे, मान लो कौन सी भी ब्रांड का लेना है, फीना का लेना है, टाइट का लेना है, कौन सा ब्रांड जो आपने लेना है उसका मैंने आपको 50% दे देना है। पर दो खर्चे मेरे को आते हैं वो मैंने काट लेने हैं। नंबर एक पे खर्चा है कि लोडिंग, वहां से सामान लेके आने का, ठीक है, लोडिंग एक्सपेंसेस, अगर आप लोडिंग करते हो तो आपको दे देंगे। प्लस ये देखो एक पर्चा है जो मैंने बनाया है, एक अकाउंटेंट ने बनाया ये, तो अकाउंटिंग चार्जेस यानी इसका हिसाब किताब रखना है, तो वो काट के जितना प्रॉफिट आता है उसका 50% मैंने आपको दे देना है। उसके बाद आगे चलिए, ये तो आपको प्रॉफिट मिलेगा यदि आपने प्रॉमिस दिया कि हाँ मैं आपसे खरीदूंगा, जो कि रिटेल शॉप वाला नहीं देता। वो कहता है एक ही तो आप पैकेट ले रहे हो, हम क्यों दें। हम कहते हैं आपको एक पैकेट पे भी देंगे, जो आप चाहते हो, आपकी रिक्वायरमेंट है उसके उसके बेस पे। नंबर सेकंड, आप मेरे साथ नेटवर्किंग मार्केटिंग में जुड़ सकते हो। नेटवर्क मीन्स आपके रिलेटिव हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आप लेके आइए हमारी शॉप पे। तो क्या करूंगा, 50% तो उस कस्टमर को दूंगा, कस्टमर को जिसको आप कहोगे वो 50% प्रॉफिट का मुनाफा उसको दूंगा। प्लस अब मैं जो 50% मैं मुनाफा कमा रहा था टोटल मुनाफे का, उसका भी मैं आधा कर दूंगा, मैं से 25% कमाऊंगा, 25% दोबारा आपको दूंगा। अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए मेरे लिए साथ काम करते हो तो मैं अपना मुनाफा कम कर दूंगा, 10% रख दूंगा अपना मुनाफा, और आपको 35% मुनाफा दे दूंगा, क्योंकि मेरी पूंजी तब भी 2 साल में 235 हो रही है, यहां 2 साल में मुनाफा 248 है, ये कितनी छेती है, मेरा 9% कमा लेता हूं इसमें, मुझे तो हर हालत में 1398 बाहर निकालने हैं, बस ये मैं निकाल लूंगा, उसके बाद जितना आप चाहते हो आपको मिलेगा। हमें क्या चाहिए, कोई भी कमर्शियल शॉप नहीं चाहिए, एक वेयर हाउस चाहिए, कहीं भी हम बना सकते हैं, जीरो कॉस्ट पे, जीरो कॉस्ट रेंट पे हम बना सकते हैं, सिर्फ आपका सहयोग हमें चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि कैसे आपको अमीर बनाया जाए। अभी भी देखो, एक एक रुपया जब गोल्ड में डाला जाता है तो वो 1 लाख हो जाता है। अगर आप एक एक रुपया बचाएं उन सेलर से जिनका मोटिव सिर्फ पैसा कमाना है, हमारा मोटिव क्या है, अपने दोस्तों की, अपने फ्रेंड्स की, आप जिसको लेके आओगे उसको पहले ही पता है कि हाँ मैं रिटेल पे लूंगा तो वो मेरी 100% जेब काट लेगा। मैंने कहा कि 50% उसको बचा लो, आज पैसा बचाना पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है। तो आइए दोस्तों, अब मेरे साथ जुड़ के इस बिजनेस में आगे चलिए। थैंक यू वेरी मच।